अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आज चलते हैं दुपट्टा गली में। दुपट्टे हैं जो कि लेटेस्ट डिजाइन के हैं और इंशाल्लाह आपको पसंद आए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है कार्डिनेट का दुपट्टा जो कि चट्टापट्टी स्टाइल में है और ये आपके सामने है। ये बहुत बड़ा दुपट्टा है और ये मैंने कितने का बाय किया, कहाँ से बाय। लेकिन उससे पहले आपको मेरे चैनल को करना होगा सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना होगा ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास आए। ये मैंने कार्डिनेट का दुपट्टा मंगवाया था ऑनलाइन और उम्मी हसन क्लॉथिंग, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। आप उधर से बाय कर सकते हैं और वहां से इजी बिल्कुल जो चीज वो दिखाएंगे वही हमें चीज रिसीव होगी। मैंने वहां से बहुत बड़े बड़े पार्सल मंगवाए हैं, जैसे कि बहुत महंगे महंगे ड्रेसेस, तो इसलिए मुझे तो बहुत मजा आया वहां से शॉपिंग करने का। इंशाल्लाह आपको भी मजा आएगा। चलते हैं अपने न्यू आर्टिकल की तरफ। ये हमारा दूसरा दुपट्टा है जो कि मैंने बहुत ही रिजनेबल प्राइस में लिया। ये चुनरी स्टाइल में और इसके कुमकुम जो है ना पल्लू लगे हुए हैं और ये इतना रिजनेबल प्राइस में मिला है मुझे। और इसके जो ऊपर गोटे का वर्क है ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ सादा ब्लैक ड्रेस बनाऊ तो बहुत ही खूबसूरत, जरूरी नहीं कि इसके साथ ब्लैक ड्रेस बनाया जाए। इसके अंदर जो कलर आशी पिंक है, ब्लू कलर है और ब्लैक ब्लू कलर है और ये देखिए इसके अंदर ना ये भंच बना हुआ है गोल्डन कलर का और ये तिल्ला गोटे का बना हुआ है और ये इतना खूबसूरत लग रहा है। मिरर वर्क, फॉयल वर्क होता है, देखने में मिरर है लेकिन ये है फॉयल वर्क है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसकी चौड़ाई काफी ज्यादा और इसकी लंबाई भी काफी, यानी कि 2.5-3 गज के करीब है। 2.5 गज तो होता है दुपट्टा लेकिन ये 2.5-3 गज के करीब। ये इसकी फाइनल लुक है और इंशाल्लाह ये आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होगा। ये दुपट्टा बहुत पसंद आया था और मैंने जब मार्केट से बाय किया था तो ये दुपट्टा मुझे मिला था 1500 का और मैं बहुत खुश हुई थी। जब हमें अपनी मर्जी की चीज बड़ी रिजनेबल प्राइस में मिल जाए तो हमें ऐसे ही खुशी जी। तो जनाब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। ये टिश्यू का दुपट्टा है और इसके जो कलर नजर आ रहा है सेम यही कलर है, बड़ा डार्क सा कलर है। इसके ऊपर धागे की और तिल्ले की कढ़ाई हो रही है और नीचे जमीन इसकी टिश्यू की है। जब मैंने ये दुपट्टा लिया था तो उसके साथ मैंने ड्रेस बनाया था जो कि चिकन और उसके साथ फिर मैंने इसको दुपट्टे को कटाव वाली कटिंग करवाई थी। इस बड़ी मुश्किल से की थी, दर्जी ने वो कह रहा था नहीं बाजी नहीं होगी। मैंने कहा नहीं भाई कोशिश करो हो जाएगी, बोल रहा था इसके ऊपर तिल्ले का काम है इसलिए नहीं होगी। लेकिन खैर जब भी बंदा कोई भी इंसान हो, जब हम पुरानी चीजों के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती है जो कि जब बंदा निकालता है हम उनको देखते हैं चीजों को, उन कपड़ों को या कोई जूते हो गए कोई ज्वेलरी हो, फिर हमें बड़ी खुशी मिलती है। ये मेरा दुपट्टा ऑर्गेंजा का है और ये दुपट्टा मैंने अभी बाय किया था। जब मैंने लेके आई थी तो मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने दो ड्रेसेस के साथ कैरी भी किया है जो की बहुत ही खूबसूरत लगता है और इस दुपट्टे को डाई भी करवा सकती है। ये फ्रंट साइड है और ये बैक साइड ऑफ व्हाइट कलर की, वैसे ही बड़ी ग्रेस होती है और पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये ऑफ व्हाइट कलर है और इसका ये बैक साइड है और फ्रंट साइड ये है और ऑर्गेंजा पे है ये और बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इस्तेमाल जब मैंने किया था वैसे ही लेके देखा था, अभी मैंने कोई फंक्शन में यूज नहीं, और जब मैंने ये लिया था तो 1000 का से भी लेके मुझे बहुत खुशी। अच्छा मुझे सस्ती सस्ती चीजें लेके बहुत खुशी होती है, जब मैं महंगी ले तो तभी भी होती है बस चीज पसंद आए, लेकिन ना मुझे महंगी चीजें बिल्कुल पसंद है। यहाँ ये नहीं कि चीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, चीज म्यारी होनी चाहिए, पैसों की बात नहीं है, बात यह है कि जो जो चीज है ही नहीं इतने की तो बंदा ऐसे ही उसे ले ले इतनी लेके और फजूल में पैसे वेस्ट करे, ये चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो खैर इस दुपट्टे में ना मुझे ये लाइनिंग बहुत पसंद आई थी जो कि गोल्डन और सिल्वर में थी और ये लाइनिंग वाली शर्ट्स भी आजकल बहुत चल रही हुई हैं जो कि शिफॉन पे भी होती हैं और ऑर्गेंजा पे भी होती हैं। और ये ब्लैक कलर मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, मैं वैसे भी ब्लैक लवर हूँ। अगले दुपट्टे की तरफ चलते हैं। ये मेहरून कलर में है, इसके ऊपर गोल्डन कलर का काम है, लेस लगी हुई है छोटी छोटी, ये बहुत ओल्ड दुपट्टा है और जैसे मैंने इसको रेडी करवाया तो फिर भी मुझे सारी चीजें याद आती हैं। अच्छा जब मेरी वैसे भी याद है अपने पुराने कपड़े देखते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है। किस किस को खुशी होती है कमेंट बॉक्स। ये मेरा ऑर्गेंजा का दुपट्टा है और ये भी मैंने इसी तरीके का एक ड्रेस बनाया था उसके साथ ये मैंने दुपट्टा लिया था। और मैंने ये दुपट्टे के जो पल्लू है ना ये मैंने लिए थे 100 रुपए के, 12 मैंने 3 दुपट्टों पे लगाए थे। इस दुपट्टे के ऊपर जो काम है वो है जैकार्ड का काम किया गया है और ये जो लटकन है ये गोल्डन कलर के जो धागा होता है ना गोल्डन धागा, एक तो होता है ना तिल्ला एक होता है धागा और ये तिल्ला वाला और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। अगले दुपट्टे की तरफ चलते हैं। ये दुपट्टा मैंने मेहंदी के ड्रेस के साथ बनाया जो कि मैंने पैरेट कलर का ड्रेस है और उसके साथ ग्रीन कलर का दुपट्टा बनाया। इस बड़ी मैंने लुक के ऊपर मैंने ये वाली लेस लगाई है किरण लेस और ये बहुत खूबसूरत लगती है जब इसके ऊपर आती है। और मैंने प्लेन नेट लेके उसके ऊपर मैंने गोटी की फुटकियां लगाई थी जिसको पत्तियां कहते हैं
और इसके जो छोटे पल्लू हैं उनके ऊपर और मैं, ये जब दुपट्टा मैंने ग्रीन कलर के ड्रेस के साथ इस्तेमाल किया तो बहुत ही खूबसूरत अच्छा लगा। मुझे ना बहुत डिसेंट सी और एलिगेंट सी चीज़ें पसंद हैं, मुझे बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें पसंद। आपको मेरे दुपट्टे कैसे लगे हैं प्लीज़ अच्छे लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए न्यू आइडिया लेके आऊँ। चलते हैं अगले और लास्ट आर्टिकल की तरफ। ये दुपट्टा भी बहुत महंगा और जो बहुत पिछला सस्ता, दुपट्टा गुजरा है वो मैंने बनाया था 3000 का और ये दुपट्टा मैंने बनाया था 100 का, यानी कि 4500 का। इस दुपट्टे के ऊपर मिरर लैस लगाई गई थी और ऑर्गेन्जा का 1500 का दुपट्टा लिया था, उसके बाद ये लैस ली थी, फिर इसकी लगवाई थी और फिर इसके जो कुमकुम कि थे ये काफ़ी हैवी थे, यानी कि ये इसको इस्तेमाल भी किया तो ये है, उतरे नहीं है इनकी और उसके मजबूती। साथ फिर ये जो है ना ये भी मग्स ली गई थी और इसके साथ ये प्रिंग जो वाली लैस ये भी मैंने खुद नहीं लगवाई थी, जो कि ये दुपट्टा इस्तेमाल करने में बहुत ही खूबसूरत किसी लगता भी है। प्लेन फ्रॉक के साथ या प्लेन ड्रेस के साथ हम इसे कैरी कर सकते हैं। सो प्लीज़ आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, उसे भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलूंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, दुआओं में याद रखना और अल्लाह निगेबान, अल्लाह हाफिज़।